हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। फ्रेंड, आज मैं आपको कोई कटिंग और कोई डिज़ाइन स्टिचिंग की वीडियो नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड। मैं आज आपको कुछ अलग दिखाने वाला हूं, जो कि आपको देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड, मैं आपसे बता दूं, आपको पता ही होगा मैं गया था दिल्ली घूमने के लिए, और वहाँ पर मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ सभी का ब्लॉग बना लिया हूँ, और मैं आपको एक एक करके सब ब्लॉग दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ब्लॉग दिखाने वाला हूँ जहाँ मैं गया था घूमने के लिए, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था घूमने में। और फ्रेंड, आपको बता दें कि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, तो बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए हम शुरू। हेलो गाइस, ये हमारा है, जा रहे घूमने, इसको देख लो। मतलब ये मुझे पागल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ना अंडमान निकोबार, हांगकांग, डिज्नीलैंड और डेनमार्क जा रही हूँ, इसलिए हैरान हो गए, इसलिए बोले कि मैं पागल हो गई। ये पागल हो गई, ये जा रही है घूमने, आज वहाँ पागल बना करेगी। इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए, कहीं मिलेगी तो इसको संभल के रहना, नहीं तो ये मार देती है पत्थर। मैं हांगकांग जा रही हूँ, डिज्नीलैंड जा रही हूँ, ये घर पे बैठ के टीवी देख रही हूँ। लो अपना चश्मा लगाओ। मास्क मास्क नहीं है आपका, मास्क। चलो फिर बाय बोलो, फिर हम लोग बाहर का भी दिखा रहे हैं सर। हम बाहर का दिखाएंगे। तो बोलो ना, हम बाहर का दिखाएंगे। सही से बोलो ना, हम बाहर का दिखाएंगे। जहाँ जाएंगे घूमने वहाँ का सीन दिखाएंगे ना, जहाँ जाएंगे हम वहाँ का सीन दिखाएंगे। एक तो फ्रेंड, अब बाहर निकलना है और यहाँ से हम जूता पहन लेंगे। यहाँ से जूता पहनने के बाद बाहर निकलेंगे और आपको बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हमको बाहर निकलना है, तो हम बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हमको सीढ़ी से उतरना है और हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं बाबू भी आया है और हुमैरा भी आई है और लोग भी आ रहे हैं, वो पीछे हैं। तो अब हमको बस स्टैंड पर जाना है, हम लोग बस से जाएँगे घूमने के लिए। और ये स्टैंड पर हम आ चुके हैं, बस स्टैंड है ये, और यहाँ बैठ के हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमारा जो जिस नंबर से हमको जाना है वो नंबर की बस नहीं आ रही है, तो हम बैठ के यहाँ वेट कर रहे हैं। तो अभी भी नहीं आ रहा है, बहुत देर हो गया बैठ के इंतज़ार करते हुए और बस नहीं आया। हुमैरा परेशान हो गई है, देखिए ये क्या, ये बोल रही है कि अब हम लोग को ऑटो से चलना चाहिए और हम लोग यहाँ बैठ के परेशान हो गए हैं। तो अभी देखिए, हमने ऑटो भी कर लिया है, तो हम ऑटो बुक कर लिए हैं और यहाँ से हम ऑटो पर बैठ के निकल रहे हैं। तो मेरा परेशान हो गई, वही बता रही है कि हम लोग यहाँ पे एक डेढ़ घंटे से बैठे थे और जिस नंबर से हमको जाना था वो नंबर की बस आ नहीं रही है, और हम लोग फाइनली ऑटो करके आ गए हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो अभी देखिए, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और जहाँ हम पहुँचे हैं वो भी हम आपको बताएँगे कि कहाँ हम आए हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। ये दिल्ली में है, आप देख सकते हैं, ये जामा मस्जिद है, बाहर से इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली का जामा मस्जिद ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे हम लोग आए हैं आज घूमने के लिए। तो ये बाहर से इस तरह से दिखाई दे रहा है, अभी हम अंदर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे, जामा मस्जिद के अंदर का भी सब कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ये सीढ़ी है और यहाँ से चलना मतलब चढ़ते हुए हमको जाना है अंदर तक। तो हुमैरा देखिए कह रही है अब हम लोग चले अंदर चलते हैं। तो देखिए ये जा रही है हुमैरा और पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमको यहाँ पे चप्पल बाहर निकाल के जाना होता है, तो यहाँ हम चप्पल निकालेंगे और अंदर जाएंगे। तो चप्पल जूता जो भी आप पहने रहेंगे यहाँ पे निकालना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे चप्पल जूता निकाल के जमा भी कर सकते हैं और साथ में ले जाके अंदर कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ से चप्पल और जूता निकाल के जाना होता है और अभी हम अंदर चल रहे हैं। अभी जब हम वहाँ जाएंगे ना फव्वारे के पास, तो आपको उधर का दिखा देंगे, उधर का बैक करके दिखाओ। वो देखिए, अभी हम वहां जाएंगे, वहां फिर हम जाएंगे, वहां फिर हम जाएंगे, फिर हम जाएंगे सीधा बाहर, फिर हम जाएंगे कहीं और, हम जाएंगे फिर लाल किला, ठीक है? अभी के लिए अभी ना, तो हमें तीन जगह जाना है, नहीं दो जगह ना,
ये मस्जिद है, मस्जिद भाई ये मस्जिद। सो ये भी एक गेट है, यहीं से जो मैंने वहां बताया था ना वो वाला, तो वही है। ठंडा नहीं गर्म लगेगा यहाँ, बताओ इसका। हाँ, पत्थर कितना जल रहा है सब? पत्थर बहुत जलेगा, ये सीढ़ी लगी। कल बारिश हो गया यार। चलिए अब यहाँ का पूरा, तब बारिश हो जाएगा तब क्या करोगी? एक छोटा सा इधर ही। कौन सा ये चीज है ना, मुझे लग रहा है कि हम लोग को ना ऊपर भी जाने के मिला। ऊपर जाना है कहाँ से? हमारा तो बता रही कहीं ऊपर जाने के लिए, कहाँ से जाएंगे ऊपर? और यहाँ क्या होता है, यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से फाउंटेन बना है, फाउंटेन। तो उसमें क्या होता है? हम लोग को पैर भिगाना होता है। अच्छा, वहाँ वजू बनाते हैं ना सब नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, कोई कोई पैर भी भिगाता है। मैं तो पैर भिगाऊंगी। अच्छा अच्छा, गर्म लग रहा है। मतलब नमाज अगर जो किसी को पढ़ना रहे तो वजू वहाँ से बना ले, फिर वहाँ वजू करके ही वहाँ से तब यहाँ नमाज। और ये मस्जिद है ना, यहाँ सब नमाज पढ़ते हैं, यही मस्जिद है ना। अभी मैं बोलना चाहती हूँ, धूप हो रही है, आप भी देख लीजिए इतना सारा, इतनी ज़्यादा धूप है, हम अभी कहाँ जा पाएंगे? वहाँ उधर उधर कहाँ जा पाएंगे? आ गया, क्या क्या हम भी क्या, क्या? वो जो चीज़ है ना, हम भी नहीं जाते इसे। और हम अभी तो हम लोग यहाँ भी नहीं जा सकते सामने, क्योंकि इतनी सारी इतनी ज़्यादा धूप है। तो गाइस मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी धूप है। चलिए आगे फ्रेंड, यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं घूमने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर के लोग भी हैं। तो यहाँ से अब हमको बाहर जाना है और हम मार्केट में जाएंगे, बाहर आपको दिखाएंगे, मार्केट का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं ये 2 नंबर गेट है, और इस मस्जिद में 3 गेट इतने ही बड़ा बड़ा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, 3 गेट इस तरह से बना हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो मैं यहाँ से 2 नंबर गेट से बाहर आया हूँ, और 2 नंबर जब गेट से बाहर आएंगे हम, तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सामान मिलता है। तो फ्रेंड आपको इस मार्केट में बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, जैसे कपड़ा हुआ, बर्तन हुआ, और खाने पीने का सामान हुआ, बच्चों का खिलौना हुआ, बैग हुआ, ये सब सामान यहाँ पे इस मार्केट में मिलता है। और यहाँ पे सस्ता भी मिलता है और महंगा भी मिलता है, तो दोनों रेट में यहाँ पे सामान आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सामने कपड़े की दुकान है और बर्तन की दुकान है, बहुत सारी इस तरह से दुकानें हैं और यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या मिलता है। अंकल ये कितने का आएगा? ये वाला 350, इसमें 6 नंबर मिल जाएगा, दिखाइए। 6 नंबर दिखा दीजिए, एक इतने का दिखा दीजिए, ये ब्लू वाले में, दोनों में कोई भी आए 6 नंबर दिखा दीजिए। फिक्स रेट है क्या? कुछ कम नहीं होगा? कुछ कम डिस्काउंट कुछ? और ये वाले कलर में यहाँ से सूज ले रहा हूँ, देखो यही सूज ले रहा हूँ। इस कलर में नहीं होगा। और रेड वाले में? रेड वाले में, रेड वाले का 6 ही होगा। अच्छा, आयो बस थोड़े। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये वाला पसंद आ गया और ये वाला मैं ले चुका हूँ, ये वाला अंकल जी से ले लिया हूँ, और इन्होंने 300 में दिया है, ये 350 बता रहे थे, 300 में दे दिए हैं ये। और आपको लेना है तो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं, दुकान दे दीजिए। तो फ्रेंड ये दुकान जो है ये गेट के 2 नंबर, जो 2 नंबर गेट है उसके बाहर ये सब दुकान लगा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी मतलब चीज़ें आपको मिल जाएगी इस मार्केट में, और यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। मार्केट ये इस तरह की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और इस तरह से बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी मिल रहा है, लेडीज़ जेंट्स जिस तरह से आपको लेना हो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ मोबाइल का पूरा एसेसरीज मिल रहा है, और बहुत कुछ मतलब इसी तरह से आप जो भी लेना चाहते हैं इस मार्केट में ले सकते हैं, बहुत कुछ मिलता है और अच्छा भी लगता है घूमने में। तो फ्रेंड ये हुमैरा देखिए, हुमैरा आ गई है और हुमैरा ने बहुत सामान लिया है यहाँ से, पूरा बैग भर लिया अपना सामान लेके। और यहाँ से गेट देख लीजिए, गेट भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ से बहुत अच्छा लगता है।
तो इस तरह से हम मार्केट में बहुत सारा सामान ले चुके हैं, बहुत कुछ शॉपिंग किए हैं। तो आज हमारा बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बैग में पूरा सामान भरा हुआ है। तो ये बैग आप देख सकते हैं जो बड़ा वाला लिया हूँ, इसमें बहुत सारे सामान है। यहाँ से मार्केट करने के बाद अब हम जाएंगे चांदनी चौक और वहाँ भी देखेंगे, कुछ समझ में आएगा तो वहाँ से भी लेंगे। तो दो दो बैग हमारे पास जो है दोनों भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गया है। अब दो नंबर गेट से तो हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे चांदनी चौक। तो ये चांदनी चौक है, आप देख सकते हैं यहाँ से लाल किला एकदम सामने दिखाई दे रहा है। ये लाल किला है, लाल किला देखिए कितने अच्छा और कितना प्यारा नज़ारा लाल किला का लग रहा है यहाँ से। तो ये लाल किला है फ्रेंड, यहाँ से लाल किला का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। और ये हुमैरा है और हुमैरा अपना सेल्फी ले रही है। तो यहाँ से आपको हुमैरा पीछे दिखाएगी लाल किला, आप देख सकते हैं यहाँ से हुमैरा लाल किला दिखा रही है आपको। और ये यहाँ सेल्फी ले रही है, यहाँ से अपना फ़ोटो निकाल रही है और यहाँ से ये बताएगी कि किस एंगल में इसको फ़ोटो खींचना है। ये देखिए समझा रही है कि कैसे कैसे फ़ोटो खींचना है इसको। और पीछे अमन भी बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये सेटिंग कर रही है कैमरे में। और अमन भी है, तो इरफान भी है, आप देख सकते हैं सब लोग साथ में हैं हम लोग। और हम लोग इतना थक चुके हैं कि अब हम लोग को घर जाना चाहिए। तो फ्रेंड अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए, तो घर के लिए निकलेंगे लेकिन हमको यहाँ से ऑटो करना है और मेट्रो स्टेशन जाना है। तो हम इधर से मेट्रो से जाएंगे क्योंकि हम लोग को बहुत गर्मी लग रही है, तो मेट्रो में थोड़ा राहत मिलेगा एसी में, तो इसलिए हमको मेट्रो से जाना है। तो यहाँ से हम ऑटो करेंगे और मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहाँ के लिए निकलेंगे। तो पीछे देख सकते हैं इरफान और अमन भी हैं और साथ में हम लोग जा रहे हैं, बैग पूरा भरा हुआ है शॉपिंग करके, इरफान के हाथ में है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सामान हम लोग यहाँ से ले चुके हैं और यहाँ से घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको डिज़ाइन की वीडियो देखना है, अगर जो आपको बाजू डिज़ाइन की वीडियो देखना है तो आप ये दोनों में से कोई एक वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।